अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं बटर नान बना रही हूँ तवे पे, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो पहले भी मैं आपको तवा नान बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज बटर नान भी तवे पे ही बनाते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा डाला है, 1.5 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सोडा, 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसको अच्छी तरह से ऐसे पहले मिक्स कर लें विस्क के साथ। अब मैं इसमें आधा कप जो है वो दही डाल रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे आपने दही लेना है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और देखूँगी कि मुझे पानी कितना चाहिए। मेरा ऑल टुगेदर इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। इसको अच्छी तरह से गूंद लें और इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। ये 10-15 मिनट के लिए रखने के बाद मैं इसके पेड़े बनाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसको तवे पे या फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। ये हमारा आटा जो है वो 10-15 मिनट गुजर गए हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो गया, तो अब मैं इसके पेड़े बनाने लगी हूँ। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पेड़े बना सकते हैं। मैंने इस आटे से 7 पेड़े बनाए हैं, तो 7 नान बनेंगे। अब इसको पतला पतला रोल कर लें, फ्रेश धनिया लगा के थोड़ा सा रोल करें ताकि धनिया जो है वो उतरे ना जब आप पकाएं। तो अब मैं इसको उल्टा करके इसके ऊपर पानी लगाने लगी हूँ। अच्छी तरह से पानी लगाना है ताकि जब आप फ्राइंग पैन या तवा उल्टें तो नान आपका नीचे गिर ना जाए। तो ये देखिए गरम तवे के ऊपर मैं ये डालने लगी हूँ और ये देखिए इसके ऊपर बबल आना शुरू हो गया। जब आपको लगे कि दूसरी तरफ से पक गया है तो आँच को तेज़ करके आपने इसको उल्टा करके सेंक लेना, जैसे मैं अभी करने लगी हूँ। ये देखिए जैसे आँच तेज़ कर लेनी है आपने और इसको अच्छे तरीके से सेंक लेना है ताकि सारी जगह से ये पक जाए। ये देखिए कितना फूल गया हमारा नान, और ये देखिए हमारा नान जो है वो बन गया। अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ आपको, दोनों साइडों से नाइसली को सबके ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ।